नमस्कार दोस्तों, जब भी जीवन में हमारे पास कोई समस्या आती है तो अक्सर हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों का हाल जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी जीवन की परेशानियों से बाहर कैसे आए। ऐसे में अक्सर ज्योतिषाचार्य हमें कुछ उपाय लिख करके देते हैं, परंतु उपाय करने के बाद भी कई बार परिणाम शून्य रहता है या बहुत कम परिणाम प्राप्त होते हैं। मित्रों, ये परिणाम हमें क्यों नहीं प्राप्त होते, आज का ये वीडियो इसीलिए बनाया है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से कारण हैं जिसके कारण हमें उपाय करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होता। लाल किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 5 काम ऐसे हैं यदि उन्हें उपाय के साथ साथ करता है तो उसे उपायों का शून्य परिणाम प्राप्त होता है। ये कौन से 5 काम हैं जिन्हें भूल करके भी जातक को नहीं करना चाहिए? जब भी आप अपने ज्योतिष से संबंधित उपाय आरंभ करते हैं तो नंबर 1, आपको नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको मांसाहार छोड़ देना चाहिए। हो सके तो मांसाहार ना करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर फिर भी आपसे नहीं रुका जाता तो कम से कम जितने दिन तक आपका उपाय चले जब तक नॉन वेज का सेवन ना किया जाए। नंबर 2, यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, क्योंकि शराब का सेवन उपाय के दौरान आपके परिणाम को बहुत कम कर देता है या शून्य कर देता है। इसी प्रकार से जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, चाहे बेशक साल में एक बार जब भी पितृ पक्ष आता है उन्हें अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो अपने पितरों से प्रार्थना नहीं करते, अपने पितरों को याद नहीं करते, उनके सम्मान में किसी भी प्रकार का दान पुण्य यज्ञ हवन पाठ पूजा नहीं करते, उनके द्वारा किए गए उपाय भी कई बार पूरा परिणाम नहीं दे पाते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा कारण था। चौथा सबसे बड़ा उपाय, देवी देवताओं में श्रद्धा की कमी होना। जी हाँ, यदि आपका देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं है, आपकी कोई आस्था नहीं है, या आप देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो भी लाल किताब के उपाय या वैदिक उपाय भी आपके लिए वर्क नहीं करते हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल किताब तो उस पर बहुत ज्यादा जोर देती है। यदि आप लाल किताब का अध्ययन करेंगे और खास करके उसकी रेमेडीज का अध्ययन करेंगे तो बार बार ये लिखा आता है कि पर स्त्री गमन ना करें, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके ग्रहों की दशा को और भी खराब कर देता है, आपके जीवन के सुअवसरों को समाप्त कर देता है। ऐसे में हमें ये कार्य भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए और सदैव नेक चाल चलन रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति नेक चाल चलन रखता है, प्रभु में श्रद्धा रखता है और पूर्ण विश्वास के साथ अपने उपायों को बड़े श्रद्धा भाव के साथ करता है, उसके परिणाम हमेशा शुभ ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं तक। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें सदा याद रखिएगा। यदि आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम जरूर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।